हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के DLI अप्रूव्ड नॉर्दर्न आइलैंड कॉलेज के बारे में। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है जो कि कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं। नॉर्दर्न आइलैंड कॉलेज कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में है। इस कॉलेज के टोटल 4 कैंपस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। तो यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है और DLI अप्रूव्ड है। अब हम बात करते हैं कि यह कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो यह कॉलेज 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेक्स की। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सितंबर तीनों ही इनटेक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। तो इस कॉलेज में सभी तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सभी तरह के प्रोग्राम्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन में मिनिमम 60% स्कोर होने रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइल्स रिक्वायरमेंट की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो ओवरऑल 6 स्कोर, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने जरूरी हैं। और अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर है तो आप इस कॉलेज में एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आपके ईच मॉड्यूल में 6 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं PT रिक्वायरमेंट की। आपके PT में ओवरऑल 54 स्कोर होने रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TOEFL रिक्वायरमेंट की। अगर आपने TOEFL टेस्ट दिया हुआ है, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, तो आपके ओवरऑल 80 स्कोर होने जरूरी हैं और ईच सेक्शन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में आपके मिनिमम 20 स्कोर होने जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आपने ड्यूलिंगो टेस्ट दिया हुआ और इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 110 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप ड्यूरेशन की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 का गैप, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 का गैप एक्सेप्टेबल है, बट आपको गैप की जस्टिफिकेशन कॉलेज को प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस कॉलेज की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 कैनेडियन डॉलर है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल कितने दिनों में मिल जाता है। तो इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल विद इन 15-30 डेज में मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो इस कॉलेज की जो अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस है वो 14,000 कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकली क्लासेस की। तो इस कॉलेज में जो वीकली क्लासेस है वो 3-4 डेज की अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर भी अवेलेबल है। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है और इसको कब अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। तो इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अवेलेबल है। इट मीन्स कि अगर आपकी स्टडी इस कॉलेज से कम्प्लीट करते हो तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो गए। जिन स्टूडेंट को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑप प्रोग्राम्स की। तो इस कॉलेज में कोऑप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, इसके साथ ही अकोमोडेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी नॉर्दर्न आइलैंड कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। इसके अलावा आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।